इस धरती पे ना जाने कितने मिस्ट्री छुपा है, उनमें से कई है सॉल्व और कई है अनसॉल्व। और जब अनसॉल्व की बात आ जाता है तो हम गीजा के पिरामिड के बारे में कैसे भूल जाए। पिरामिड का मिस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि रिसर्चर्स जितना उसके ऊपर स्टडी करते हैं उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं पिरामिड के बारे में, पिरामिड क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। मैं इस वीडियो में कुछ थ्योरीज के बात करूंगा जो रिसर्चर्स ने हमारे सामने रखा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेरोडोटस जो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कई महीनों तक ट्रेवल किया कई जगहों में और उन जगहों के ऊपर रिसर्च किया और अपने बुक पर लिखा, और उन्होंने गीजा के पिरामिड के ऊपर भी कई चीज़ें लिखा था। उनके हिसाब से गीजा के पिरामिड बनाने में लगभग 20 साल लगे थे और लगभग 1,00,000 लोगों ने काम किया था, तब जाके ये रहस्यमय स्ट्रक्चर बन पाया। लेकिन अभी के रिसर्चर्स के हिसाब से 20,000 लोगों ने 20 साल काम किया तब ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेट पिरामिड में 2 मिलियन लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट के ब्लॉक्स लगे हैं, और एक ब्लॉक का वजन लगभग 2 से 3 टन है। इसका मतलब उनको एक ब्लॉक ले जाके लगाने में लगभग 2 से 2.5 मिनट का समय होता था। लेकिन आज हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम क्रेन के मदद से उतना हैवी वेट को उतने कम समय में कहीं पे भी ले जाना उतना आसान नहीं है। तो फिर 4 से 4,500 साल पहले उन्होंने यह काम कैसे किया होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, 4,500 साल पहले उनको जियोमेट्री का इतना सटीक नॉलेज कैसे था? क्या उनका टेक्नोलॉजी हमसे भी एडवांस था, या फिर किसी बाहर के प्लेनेट से एलियंस आके उनको मदद किया? आप शायद समझ गए होंगे इतने भारी भरकम चीजों से ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना कितना मुश्किल का काम होगा, और उन्होंने इतने मेहनत करके ऐसा एक चीज बनाया है क्यों? क्या वो अपने टेक्नोलॉजी का निशान छोड़ के जाना चाहते थे, और क्यों आज तक हमारे रिसर्चर्स उसको बनाने का रीजन नहीं ढूंढ पाए? देखिए, इसका कारण ये है कि जब हमारे रिसर्चर्स उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तब उनको एक चीज पता चलता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो नया चीज रिसर्च करते हैं तो उनको नया कुछ जानने को मिलता है। देखिए, पुराने जमाने में घर ही नहीं था, तब लोग सन के पोजीशन देख के टाइम का अंदाजा लगाते थे। उसके बाद सन डायल का इन्वेंशन हुआ, और रिसर्चर्स के हिसाब से पिरामिड एक सन डायल की तरह ही काम करता है। लेकिन एक सन डायल को बनाने में उन्होंने 20 साल क्यों मेहनत किया होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम उसका टॉप व्यू देखें तो हमें कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिलेंगे जिससे यही लगता है कि वो पिरामिड को एस्ट्रोलॉजी के काम में यूज करते थे। अब और एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं पावर थ्योरी। अब कई रिसर्चर्स के हिसाब से उनको कई ऐसे चीजें मिले पिरामिड के अंदर, और वो मटेरियल्स ऐसे पोजीशंस में हैं, उनको यही लगा कि वो शायद उस पिरामिड को एक पावर प्लांट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार 4,000 साल पहले ही हो चुका था? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, हमारे रिसर्चर्स ने अब तक सिर्फ 3 चैम्बर्स को ही डिस्कवर किया है। ऐसा बात नहीं है कि इसके अंदर और कोई चैम्बर नहीं है, उन्होंने बाकी चैम्बर्स को ढूंढने के लिए काफी सारे सुरंगों में अपने रोबोट्स को भेजा था, लेकिन वो जब जाते हैं अंदर तो उनको एक दरवाजे की तरह मिलता है, और कोई भी आज तक उस दरवाजे के पार नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने ट्राई किया था ताकि उस दरवाजे में सुरंग बना के उसके अंदर कैमरा भेजे, और ऐसे करने के बाद उनको एक इमेज मिला, लेकिन उसके बाद उस कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तीनों पिरामिड ऐसे पोजीशंस में बनाए गए हैं कि वो ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद 3 तारों की तरफ इशारा करते हैं, और उन पिरामिड के अंदर एक सुरंग है जिसके अंदर वो तारों का लाइट डायरेक्टली आके गिरता है। कई लोगों का यह मानना है कि पहले के लोग ये मानते थे कि उन तारों में उनका भगवान है, और कई लोगों का यह कहना है कि पहले के लोग जब मर जाते थे तो उनको मम्मी की तरह बना के और कुछ औषधि का इस्तेमाल करते थे और उन स्टार के लाइट में रख देते थे, फिर उनको नया जीवन मिल जाता था। और कई लोग ये कहते थे, जो आपने शायद सुना होगा, कि उनके राजा को उस पिरामिड के अंदर दफनाया गया था,
पिरामिड क्यों बनाया गया और वो किस काम के लिए उसको इस्तेमाल करते थे ये तो नहीं पता, और इसके ऊपर कई सारे थियोरीज हैं, लेकिन मैंने वही आपको बताया जो ज्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि पिरामिड को बनाया कैसे होगा। इसमें भी कई सारे थियोरीज हैं, लेकिन मैं आपको अभी जिस थियोरी के बारे में बताऊंगा वो कहीं हद तक सही लगता है। पिरामिड के पास ही का एक नदी जिससे एक ड्रेन बनाया गया था पिरामिड तक, और उस पानी के मदद से पत्थरों को लाया गया था पिरामिड के बेस में। अब वो पत्थर तो पानी में डूब जाएंगे, तो कैसे उन्होंने लाया होगा? उन्होंने फ्लोटर्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उस टाइम में वो किस तरह का फ्लोटर्स यूज करते थे? वो शायद हो सकता है लकड़ी का या फिर जानवरों की चमड़ी में हवा भर के। पहले उन्होंने पानी की मदद से और फ्लोटर्स की मदद से बेस को बनाया। उसके बाद जब पानी से ऊपर लेयर उठ गया था पिरामिड का, तब उन्होंने कुछ टनल्स बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे टनल्स में पानी भरते गए, और धीरे धीरे एक एक दरवाजा बनाया और दरवाजे के अंदर एक एक करके पानी भरा है, और फिर उन दरवाजों के अंदर से उन बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर लिया गया, और धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को बनाया होगा। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि उनके टाइम में जियोमेट्री का इतना नॉलेज कैसे हुआ होगा उनका? आज तक तो इसका मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ, और पता नहीं कितने सालों तक हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और फिर भी हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन हमारे रिसर्चर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर दो दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक में जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।